हेलो दोस्तों, चलिए तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि T20 जो सीरीज होने वाला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें कौन कौन सी खिलाड़ी खेलने वाले हैं। इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दिल से लाइक भी कर दीजिएगा। भारतीय टीम में कप्तान बने हार्दिक पांड्या के अनुयायी में यह मैच खेला जाएगा। यह मैच 18 को फर्स्ट मैच खेला जाएगा और दूसरा मैच 20 को खेला जाएगा और तीसरा मैच 22 को खेला जाएगा। इसमें हार्दिक पांड्या कप्तान बनाया गया और ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है। इसमें फर्स्ट में आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे शुभम गिल और ईशान किशन, जो एक नंबर और दो नंबर पर खेलने देखेंगे आपको। और तीन नंबर पर दीपक हुड्डा को खेलते हुए आप लोग देख सकते हैं। और चार नंबर पे जो विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, जो T20 वर्ल्ड कप में तो जीता नहीं पाए लेकिन अलग ही अपना छाप छोड़ गए हैं T20 वर्ल्ड कप में, जो विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं आप लोग जानते ही होंगे, सूर्य कुमार यादव, जो SKY और 360 डिग्री के नाम से भी जाने जाते हैं, जो सेम टू सेम एवी डिविलियर्स के तरह बैटिंग करते हैं। जब भी आते हैं मैदान में तो पूरी तरह से पब्लिक हल्ला करने लगती है। और श्रेयस अय्यर आपको हमेशा की तरह पांच नंबर पे खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद श्रेयस अय्यर के बाद आएंगे छह नंबर पे संजू सैमसन, जो विकेट कीपर रहेंगे इस मैच में। और इस मैच में विकेट कीपर संजू सैमसन को बनाया गया है ऋषभ पंत को। इस मैच में ऋषभ पंत को विकेट कीपर नहीं बनाया गया, लेकिन सुंदर सात नंबर पे आपको वाशिंगटन सुंदर खेलने को दिखेंगे। उसके बाद आठ नंबर पे आपको विजेंद्र चहल आपको देखने को मिलेंगे खेलते हुए, और नौ नंबर पर कुलदीप यादव देखने को मिलेंगे आपको खेलते हुए। वहीं पर देखा जाए तो असरदीप सिंह को आप 10 नंबर को देख सकते हैं, जो अच्छा T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किए थे और बाबर को डाबर लगाकर विकेट चटका दिए थे। उसके बाद देखा जाए तो हर्षल पटेल आपको 11 नंबर खेलने को देख सकते हैं, और हर्षल पटेल भी इस मैच में T20 वर्ल्ड कप में मौका उनको नहीं मिला था, केवल वो पानी पिलाने के लिए T20 वर्ल्ड कप में देखे गए, क्योंकि एक भी मैच में उनको खिलाया नहीं गया। तो विजेंद्र चहल को भी नहीं गया, केवल पानी पिलाने के लिए T20 वर्ल्ड कप में रखा गया। और इसी के चलते लगता है कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया हार गई, क्योंकि देखा जाए तो अश्विन उतना कमाल नहीं कर पाए T20 वर्ल्ड कप में, विजेंद्र चहल लगता कुछ ना कुछ कर पाते। चलिए तो मैं आप लोगों को इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। चलिए तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।